टारगेट विद्यालोक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी हिंदी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं विशेषकर उन छात्रों से और उन छात्राओं से यह जरूर कहना चाहूंगा कि माना थोड़ी देर हुई है मुझको लौट के आने में, माना थोड़ी देर हुई है मुझको लौट के आने में, तूने इतनी जल्दी क्यों की दुनिया नई बसाने में। तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसके पहले एक अच्छे तरीके से बृहद तौर पे अपना टीजीटी पीजीटी का सेशन लाए थे, सफलतापूर्वक चला, आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा मिला। उस प्यार से अभिभूत होकर के हम लोग पुनः समय से पहले अपने इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूं कि पुनः आपके ये प्यार और आपका जो सम्मान है, जो स्नेह है, जो लगाव है, वह पूरे टारगेट विद्यालोक के परिवार को मिलेगा। हम आज आपके सामने बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन शुरुआत के तौर पर थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे। उन्हीं चर्चाओं के बिंदुओं में एक आदत सी हो गई है और एक पठन पाठन के क्षेत्र में मैं कहूं कि एक सिस्टमाइज काम हो गया है कि हम जो भी करें वो सिस्टम से करें। उसी सिस्टम के तौर पे हम ये चाहेंगे कि एक सुव्यवस्थित तरीके से कुछ बिंदुओं पर आपसे हम चर्चा करें। बाकी हम लोग पढ़ने पढ़ाने शिक्षण ये सब सारे कार्य हमारे तो चलेंगे, अब तो हम आपके सामने नित्य आएंगे और क्लासेज स्टार्ट होंगी, सारी बातें हम लोग एक एक करके देखते हुए चलेंगे। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम से पहले हम आपसे इन बिंदुओं पर जरूर चर्चा करना चाहेंगे। आइए हम थोड़ा सा चलते हैं, अपने बिंदु पर चलते हैं। आज हम हिंदी साहित्य की जो अवधारणा है हमारी, जो हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी, मैं उन विशेषकर उन छात्रों के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं जो ऑलरेडी जानते हैं। हमारे बहुत से ऐसे छात्र होंगे, बहुत से ऐसी छात्राएं होंगी जो अभी नई हैं, अभी इसके बारे में अननोन है, कुछ भी नहीं जानती हैं, और जो हमारे पुराने साहित्य अनुरागी हैं वो इसके बारे में जानते हैं। वो थोड़ा सा धैर्य बना करके मुझे सुने, अगर कुछ नया मिलेगा तो अच्छा होगा, नहीं मिलेगा तो उसका रिपीटिशन होगा, दोहराव होगा। यह विद्या या शिक्षा जो है कहीं वह बेकार नहीं जाती है, अगर पुनरपि पुनरपि यहां पर अभ्यास करना पड़ेगा तो उसी से कम उसको मन बना करके सुनेंगे तो भी एक आज आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, पूरे होल सिलेबस पर एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। हम आज किन किन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे, उन बिंदुओं के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। आज हमारा जो पहला बिंदु होगा, मैं प्रयास ये करूंगा, इस पहले बिंदु में हम आपसे ये बात करेंगे कि ये टीजीटी ईआर पीजीटी ये होता क्या है, यानी टीजीटी पीजीटी ये क्या होते हैं, फुल फॉर्म आदि के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी चर्चा हम यहां पर करेंगे कि इसकी संस्था कौन है, यानी कार्यदायी जो संस्था है वो किन संस्थाओं से इसका जो वैकेंसी आती है वो कहां से आती है आदि आदि, थोड़ी सी इन बिंदुओं पर भी आपसे बात करेंगे। हम अगर तीसरे बिंदु की कहें तो ये बात कर लें कि आपका इस जो यह समय है, यानी तीसरा यह जो पेपर हमारा होता है उसमें समय कितना होता है, और समय के अतिरिक्त चौथा पॉइंट हम कहें पूर्णांक कितना होता है,
और इसके अतिरिक्त अगर हम आपसे यह चर्चा करें कि यह यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, वो कौन सा कैसा पाठ्यक्रम है, कौन कौन सा उसमें क्या शामिल किए गए हैं, यानी पांचवें बिंदु के ऊपर अगर हम कहें तो ये चर्चा करेंगे कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। तो ध्यान में रखिए, इन छोटे छोटे बिंदु हैं, इस पर हम आपसे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। पहला अगर बिंदु है कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में, आप और संस्थाओं के बारे में, जो संस्था है इन दोनों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। आप ये जानिए कि टीजीटी क्या होते हैं, पीजीटी क्या होते हैं। पहले चीज ये जानिए कि यह ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, ठीक है, ग्रेजुएट। तो पहली बात ये जानिए कि ये जो टीजीटी है ये क्या है, यानी टीजीटी और पीजीटी। तो टीजीटी क्या होते हैं, ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, टी आर ई एन डी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, ग्रेजुएट टीचर होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं। और ये क्या होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, ये क्या होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, यानी कि आपको प्रशिक्षित स्नातक ये टीचर होते हैं जिसको हम टीजीटी के अंतर्गत जो शामिल करते हैं, यानी यहां जो आपको शामिल करते हैं वह कक्षा 10 तक पढ़ाते हैं, और ये जो होते हैं यह कक्षा 10 से लेकर के यानी 11 और 12 को पढ़ाते हैं, यानी यह कक्षा कितने तक पढ़ाते हैं, यह 12 तक पढ़ाते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, जो पीजीटी होते हैं। इसकी जो संस्था होती है वह प्रयागराज में एक स्थान है एलनगंज, और उस एलनगंज में एक संस्था है जिसका नाम होता है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। उस संस्था का नाम क्या है, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। प्रायः यहां के बच्चे चयन बोर्ड के नाम से जानते हैं इसको, क्या कहते हैं कि यह चयन बोर्ड है, ठीक है, इस नाम से प्रायः बच्चे जानते हैं और बोलते भी हैं, इतना लंबा ना बोल करके केवल चयन बोर्ड बोल देते हैं। तो यह माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपको टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है, यह इस बार अच्छी खासी वैकेंसी के साथ, अच्छी खासी इन द सेंस ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा, लेकिन हमको वैकेंसी के संदर्भ में कभी यह मायूस नहीं होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी है, क्योंकि अपनी तैयारी जो होनी चाहिए वह किस पर होनी चाहिए, एक पर होनी चाहिए, दो पर होनी चाहिए, तीन पर होनी चाहिए, चार पर होनी चाहिए, पांच पर होनी चाहिए, छह पर होनी चाहिए, दस पर होनी चाहिए, बीस पर होनी चाहिए, तीस पर होनी चाहिए, चालीस पर होनी चाहिए, पचास पर होनी चाहिए, साठ पर, सत्तर पर, अस्सी पर, नब्बे पर, सौ पर। सौ पर तो हो सकता है, आप कहेंगे कि सर एक पर नहीं हो सकता, बहुत सौ पर तो हो सकता है, सौ में स्थान तो बना सकते हैं, ये मानकर चलिए इससे बहुत ज्यादा रहेगा। हिंदी विषय की मैं बात कर रहा हूं तो हिंदी विषय में हम ये कह सकते हैं, सौ तो बहुत मैं मिनिमम बता रहा हूं, कितना होगा ये मैं मैक्सिमाइज नहीं जानता हूं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है एक शिक्षक होने के नाते कि आपको हमेशा मैं प्रोत्साहित करूं, जब आप ये नहीं है कि आपको जीवंतता प्रदान करने का, अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, शिक्षक होता क्या है, शिक्षक जो होता है वह असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का वह मार्ग प्रशस्त करता है, शिक्षक वह होता है, वो नहीं है। शिक्षक हो सगरे जग को, ताको कहां अब देत है शिक्षा, जो तप के परलोक सिधारत संपत्ति के, तिनके नहीं इच्छा, मेरे गोविंद के पद पंकज 12,000 लो देख परीक्षा, यानी कोई मतलब नहीं है। नरोत्तम दास जी कहते हैं
यानी आपको मैं ये कहता हूं कि जो भी सीटें आएंगी उस सीट पे अपने आप को तैयार करिए, निश्चित तौर पे आपका कल्याण होगा, ये मैं जानता हूं। अच्छा, आपके साथ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, प्रसन्नचित्त मुद्रा वाली आपकी दशा होगी। चलिए आइए, तो यहां पर हम देखते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ये वैकेंसी आती है, जिसमें टीजीटी पीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में हम लोग यानी उसके हम दावेदार होते हैं और वह बनते हैं। एक अच्छी खासी सैलरी के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अध्ययन अध्यापन का कार्य हमारा चलता है। चलिए इन बिंदुओं पर इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक वैकेंसी आती है एलटी की वैकेंसी आती है, जिसके बारे में हम कभी, यह जो एलटी की वैकेंसी होती है वह लोक सेवा आयोग द्वारा यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग द्वारा निकलती है। ठीक है, एलटी की वैकेंसी यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा, ये भी चर्चा में है, ये भी आएगा। ये मत सोचिएगा मैं पाठ्यक्रम केवल एक को लेकर चल रहा हूं, पाठ्यक्रम हमारा बहुत ही विस्तृत है और जो मैं पढ़ाऊंगा वो उसके बारे में आपको दिन प्रतिदिन में आपको ज्ञान देता चला जाऊंगा और बताता चलाऊंगा। कोई भी परीक्षा इससे बाहर नहीं होगा, अब नहीं तो अब नहीं, यानी इस बार इतना समझिए, तो अब नहीं तो कब नहीं, अब कब करेंगे, इस बार अच्छा करेंगे। आइए हम इसके आगे चलते हैं, इसके बिंदुओं पर चलते हैं। यहां पर मैंने कहा करदाई संस्था जो हो गई, यह हो गया। समय की बात करते हैं कि आपको टीजीटी पीजीटी में 2 घंटे का समय मिलता है, कितने का, 2 घंटे का समय मिलता है। पूर्णांक जो होता है वह 500 होता है और प्रश्न की जो संख्या होती है वह 125 होती है, यानी 125 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 500 अंक का पूर्णांक होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी अभी तक हमारे जो एग्जाम हुए हैं उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी पूर्णतः आप एकदम स्वतंत्र हैं। आप 125 को 125 करने के लिए और करना ही चाहिए, हम चर्चाएं आगे करते रहेंगे। तो ये 500 पूर्णांक और 2 घंटे आपको मिलेंगे, यानी 120 मिनट मिलेंगे और 125 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। आइए, जिसके लिए आज हमारी बात हो रही है वो हो रही है पाठ्यक्रम। आज हम पाठ्यक्रम पर आपसे चर्चा करने आए हैं। बेसिकली ये तो थोड़ा सा मैं ये बता दिया कि जो पहली बार परीक्षा दे रहा हो या जिसको नहीं कुछ पता है, वो भी ऐसे हमारे छात्र छात्रा होंगे कि जो जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आखिर ये है क्या, ऐसा होता है। तो चलिए आइए हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं। तो आज हम हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम की बात करेंगे, यानी हिंदी मैं केवल लिख रहा हूं, इसमें मैं टोटल आपको हिंदी पाठ्यक्रम की बात कर रहा हूं, और हिंदी पाठ्यक्रम की जब मैं बात करूं तो मेरा संदर्भ यह है कि मैं पूरा का पूरा होल पाठ्यक्रम पर बात करूंगा, यानी हिंदी में हिंदी साहित्य की अवधारणा, हिंदी व्याकरण की अवधारणा, काव्यशास्त्र की अवधारणा, यानी जितने भी हमारे खंड हैं एक एक खंड को हम आपके सामने थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा हम आपको ये बताते चलेंगे इसमें क्या क्या है। तो एक एक पॉइंट को उठाया जाता है और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाता है। हम पहला जो हमारा पॉइंट है वह क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास है। यानी हम पहले पॉइंट पर अगर आए तो हमारे सामने क्या आते हैं, पहला पॉइंट हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है। यानी आप ये जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बच्चे अगर नए हैं इतिहास वो जो है इसको आप नोट कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, मैं जब क्लास में आऊंगा तो और भी कहेंगे, इससे अधिक मैं बृहद
आपको इसका विश्लेषण करूंगा। चूंकि यहां पर मैं जानता हूं होता क्या है, सर्वाधिक संख्या जानने वाली है इसको, कुछ ऐसे विद्यार्थियों के लिए है कि जो जिसको कुछ अभी बेस हो रहा है नहीं उनका तैयार है, उसके लिए भी मैं सबको लेकर चलने की बात कर रहा हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में हम बताएंगे कि हिंदी का आगमन कैसे हुआ, कैसे कैसे हिंदी में कौन कौन से लोग आए, कहां से स्टार्टिंग हुआ, कैसे लिखा गया, कैसे पुनः क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिखा गया, हम आज तक यहां के इतिहास में कैसे पहुंचे आदि आदि बिंदुओं पर, तमाम संस्थाओं आदि के बारे में हम यहां पर आपसे चर्चा करेंगे। दूसरे पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण पर हम बात करेंगे, यानी दूसरा हम पॉइंट करें तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन, यानी हम केवल लिख देते हैं, मैं हिंदी साहित्य ऐसे लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, हिंदी साहित्य का काल विभाजन, काल विभाजन एवं नामकरण, काल विभाजन एवं नामकरण ठीक है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है और ये पॉइंट जो है हिंदी साहित्य की जगत में ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। यानी आप ये समझिए कि पूरा लगभग अगर आपको हिंदी साहित्य को देखना है तो बस ये समझिए यही आपका की बिंदु है जो केवल एक लाइन में व्यक्त किया है। इसको हम आपको विस्तार थोड़ा सा करते हैं दूसरे पॉइंट के, हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण पर। तो मैं नामकरण तो आपको साथ साथ चलेगा, विभाजन जो हो रहा है इस पर आप देखें तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो चार भागों में विभाजित किया गया है और नामकरण किया गया है। कितने भागों में? चार भागों में विभाजन किया गया है। तो मैं इसको दूसरे पेज पर ले लेता हूं ताकि मैं यहां तीसरा आपसे बात करूंगा। यानी हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण पर हम दूसरे पॉइंट की अगर व्याख्या करें तो विभाजन एवं नामकरण, मैं केवल इतना लिख रहा हूं, विभाजन एवं नामकरण, ठीक है, मैं केवल ये पॉइंट लिख रहा हूं। अब इसको कितने भागों में? चार भागों में विभाजित किया गया है प्यारे। पहला जो भाग है, यानी पहला जो भाग है इसका, तो इस पहले भाग के अंतर्गत क्या आएगा? आदिकाल आता है। पहला ही भाग हमारा क्या होता है? आदिकाल, इसका नामकरण होता है। मैं अभी इसकी जिक्र नहीं करूंगा कि आदिकाल किसने कहा, वीरगाथा काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, बीज बपन काल किसने कहा, यह सब मैं कुछ भी बात आपसे नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये चर्चा कर रहा हूं कि ये जो विभाजन हुआ है और जो नामकरण हुआ है ये कौन कौन सा है, आदिकाल है। और आदिकाल में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आप आदिकाल में क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, आदिकाल में आपको पढ़ना क्या है जरा ये देख लीजिए। आदिकाल में मोटी मोटा मैं हेडिंग केवल आपको दे रहा हूं कि आपको पढ़ना है अपभ्रंश साहित्य पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अपभ्रंश साहित्य को पढ़ना है, यानी अपभ्रंश साहित्य पढ़ना है, ठीक है। अपभ्रंश साहित्य आपको यहीं पर मिलेगा, यहीं पर आपको सिद्ध साहित्य मिलेगा, यानी कौन सा मिलेगा? यहीं पर आपको सिद्ध साहित्य मिलेगा, सिद्ध साहित्य मिलेगा, यहीं पर आपको नाथ साहित्य मिलेगा। इसी नाथ साहित्य की परंपरा से उत्तर प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, जो नाथ परंपरा से ही हैं। तो यानी यहां पर नाथ आपको मिलेगा और यहीं पर नाथ अपभ्रंश सिद्धनाथ, यहीं पर जैन साहित्य मिलेगा और यहीं पर आपको लौकिक साहित्य मिलेगा। कौन सा मिलेगा? लौकिक साहित्य मिलेगा। मैं सब पर आपसे एक एक करके चर्चा करूंगा, लेकिन आप ये आज मैंने कहा पाठ्यक्रम को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए और आप पूरे हिंदी साहित्य को नीचे से मत देखिए, ऊपर से देखिए। अगर इतना आप देखने लगेंगे तो संभवतः आपके कब्जे में पूरा हिंदी साहित्य आ जाएगा, पूरी हिंदी आपको आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा देखिए, आदिकाल पहला नामकरण होता है आदिकाल, और आदिकाल में ये आपका आ जाते हैं। चलिए दूसरे बिंदु पर अगर हम बात करें तो दूसरा जो हमारा बिंदु होता है वह क्या है? भक्तिकाल है। यानी
दूसरा जो है वह भक्ति काल है। तो इस भक्ति काल को हम अगले पेज पर ले लेते हैं, चूंकि इसके बारे में थोड़ा सा हम आपसे चर्चा करेंगे। तो दूसरा इसका जो विभाजन है वह भक्ति काल है। मैं अभी कोई समय पर आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, कब से भक्ति काल चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सीधा सीधा आपको बता रहा हूं। भक्ति काल है और भक्ति काल को मेरे लाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला जो विभाजित किया है उसको अगर हम ये कहें सगुण साहित्य में विभाजित किया है, और दूसरा जो विभाजन हुआ है वह निर्गुण साहित्य में विभाजन हुआ है। यानी सगुण की विचारधाराएं हैं और निर्गुण की विचारधाराएं हैं, क्या सूक्ष्म विभाजन है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सगुण को भी दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो विभाजन हुआ वह राम भक्ति शाखा कहलाया। क्या कहलाया? राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा कहलाया। और दूसरा जो विभाजन है वह हमारे श्री कृष्ण जी महाराज यानी कृष्ण भक्ति शाखा कहलाई, कृष्ण भक्ति शाखा का नाम दिया गया। तीसरा, यहां निर्गुण जो विचारधारा है, इस निर्गुण विचारधारा को जब हम विभाजन किए तो इस विचारधारा में आपको कौन से मिले, संत काव्य मिले, यानी संत काव्य मिला यहां पर। और दूसरा जो मिला वह सूफी काव्य मिला। क्या मिला? सूफी काव्य मिला। ये सब बहुत डिटेल, क्या गजब का है, इसमें आप जब देखेंगे तो पूरा रम जाएंगे। ये क्या है, जहां पर राम भक्ति शाखा को बाबा तुलसी ने पूरा का पूरा, अगर इसके नायक की हम बात करें, अगर एक फिल्म होता, इस फिल्म राम भक्ति होता और राम भक्ति शाखा के नायक की बात करते, वहां पर बाबा तुलसीदास विराजित होते। अगर मैं कृष्ण भक्ति शाखा के नायक की बात करूंगा तो वह कौन, सूरदास यहां पर विराजित हो जाएंगे। और अगर हम निर्गुण परंपरा में अगर संत काव्य की बात करें तो पुनः आपके कबीरदास थक्कड़ मिजाज के, एकदम मल्हड़ प्रवृत्ति के, जहां जाए वहीं की बातें, और सबको किसी को ना छोड़ना और सबके बारे में कहना, यह परंपरा कबीरदास यहां पर ये नायक। सूफी काव्य की अगर हम नायकत्व की बात करें तो यहां पर मलिक मोहम्मद जायसी साहब आ जाएंगे, बाकी सारे लोगों पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन यहां पर भक्ति काल में जब आएंगे तो इन सगुण और निर्गुण में राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, यहां पर संत काव्य यानी ज्ञानाश्रय शाखा भी कहते हैं, और सूफी काव्य को हम प्रेमाश्रय शाखा के नाम से भी जानते हैं। यानी इसके दो जो पार्ट हैं, ये दो पार्ट हुए किसके, आप यहां जो हिंदी साहित्य के हम विभाजन पर जो बात कर रहे हैं, इस पर हिंदी साहित्य के विभाजन का पहला आदिकाल, दूसरा क्या होता है, भक्तिकाल। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, किस बिंदु पर, यानी तीसरा जो इसका तीसरा क्या है, रीतिकाल है। क्या है? रीतिकाल है। और रीतिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, रीतिकाल को मेरे लाल तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में रीतिकाल को विभाजन किया गया, तीन भागों में विभाजन किया गया। एक को कहा रीतिबद्ध कहा गया। क्या कहा गया है, रीतिबद्ध क्यों कहा गया है, कारण क्या है, सब पर चर्चा होगी। रीतिबद्ध क्या है, फिर रीतिमुक्त क्या है, रीतिमुक्त आखिर कहते क्यों है रीतिमुक्त, और पुनः जो है यह रीति सिद्ध होते हैं, यह क्या है और क्यों कहा जाता है। यानी यहां पर हम आपसे पूरा डिटेल रीतिकाल के संदर्भ में, रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है, यहां तक कमोबेश अगर देखेंगे, चरमोत्कर्ष की अवधारणा तो यहां पर रीतिकाल में ब्रज भाषा का एकदम देखेंगे, लेकिन श्रृंगार काल की यहां एकदम चरम अवस्था आपको मिल जाएगी। तो यहां पर यहीं से अब बाजी पलटने लगती है। तीन काल आपको मैंने, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, यह रीतिकाल के बाद जो सबसे हिंदी साहित्य जगत को पूरा का पूरा पलट दिया, हिंदी साहित्य को एक नई विचारधारा देने वाली जो काल, जिस जो काल आया उस काल को कहा गया आधुनिक काल। यानी चौथा अगर हम बात करें तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा काल हो जाएगा, ये चौथा काल हमारा आधुनिक काल हो जाएगा। कौन सा है, आधुनिक काल हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आधुनिक काल हो जाएगा। और इसी आधुनिक काल को कहा गया गद्य काल कहा गया।
लेकिन ध्यान में रखिए, आधुनिक काल को गद्य काल कहा जा रहा है, लेकिन आधुनिक काल भी, अब इसके नामकरण पर हमारी चर्चाएं, मैं पुनः कह रहा हूं कि बाद में होगी। अब इस आधुनिक काल को हम विभाजित करते हैं। बेसिकली अगर आप देखें, अगर इसको आप समझ लिए, मेरा मानना यह है कि अगर सिलेबस को आप जान लेते हैं, हम पूर्णतः नहीं कहते हैं, लेकिन अगर जो बच्चा सिलेबस जान लिया, जो बच्चा पाठ्यक्रम जान लिया, वह बच्चा, उस बच्चे की एक अलग दृष्टि हो जाती है। हम तुलनात्मक अध्ययन करने पर विवश हो जाते हैं, हम तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और हमारे मन की उत्कंठा निकल जाती है कि हम करें। अभी क्या हम जानते ही नहीं है कि क्या है, तो समस्या हो जाती है। तो यहां से आपको पाठ्यक्रम पर आपको जानना चाहिए। तो आधुनिक काल में जब आएंगे तो यहां पर दो विचारधाराएं चलती हैं। आधुनिक काल में दो विचारधाराएं चलती हैं। एक विचारधारा जो परंपरागत विचारधारा है, वो काव्य की विचारधारा चल रही है, यानी पद्य की विचारधारा चल रही है। पद्य की विचारधारा यानी काव्य खंड कहिए या पद्य खंड कहिए, आप यह विचारधारा चल रही है। और एक जो विचारधारा चल रही है वह अब चलेगी, गद्य खंड चलेगा। अब क्या चलेगा, यहां पर गद्य खंड चलेगा। दो विचारधाराएं यहां पर आपको आधुनिक काल में अब मिल जाएंगी, और यही गद्य खंड आधुनिक काल को, रीतिकाल को पूरे से पूरे परिवर्तित कर दिया, और यहीं से ब्रज भाषा का धीरे धीरे समापन होने लगा। जो ब्रज भाषा, एकदम कहा जाता था कि ब्रज भाषा जो है वो केवल प्रदेश स्तर की भाषा नहीं है, वो देश स्तर की भाषा बन रही थी, अब यहां से वो धीरे धीरे उसका अवसान होने लगा, और कैसे हिंदी का विकास होने लगा, यहां पर उसकी भी चर्चा हम करेंगे आपसे। यानी आधुनिक काल जब आते हैं तो मोटी मोटा भाग में, हम दो भागों में आपको एक काव्य खंड या पद्य खंड आप लोग कहते हैं, और एक गद्य खंड में इसका हम विभाजन करेंगे। अब इसको उठा करके थोड़ा सा हम आपको और इसका फैलाव करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, ताकि आपको बातें हमारी समझ में आ जाए। तो चलिए पहले हम आधुनिक काल में हम काव्यखंड की बात करें, क्योंकि अगर ये काव्यखंड नहीं समझ में आया, हम ये नहीं कहते हैं, मेरा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं, लेकिन गद्य खंड तभी समझ में आ जा सकता है जब काव्यखंड समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर काव्यखंड नहीं समझ में आएगा तो फिर गद्य खंड बाद में समझ में आएगा, हमको, हम रिलेट नहीं कर पाएंगे कि फिर कहां पर यह नाटक लिखा गया, कहां पर निबंध लिखा गया, कहां पर उपन्यास लिखा गया, कहां पर जीवनी लिखा गया, कहां पर रिपोर्टाज लिखा गया, कहां पर यात्रा संस्मरण लिखा गया। यानी हम पूरा का पूरा रिलेट कैसे कर सकते हैं जब इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि अगर इसको नहीं समझे तो यहां से हमको जो बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो गद्यखंड से प्रारंभ करते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन गद्यखंड से उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं है जो बच्चे अभी पहली बार तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आपको प्रायः अगर सिस्टमेटिक चलना है तो आपको रिलेट, और बार बार आपको जो पढ़ाएंगे तो यहां, जब यहां हम आएंगे तो रिलेट तुरंत कर लेंगे। अभी मैं बता रहा हूं आपको, आप स्वयं देखिएगा। तो यहां पर काव्यखंड और गद्यखंड की जो उदाहरण आई, यहां पर देखिए, क्योंकि काव्य की परंपरा पहले से चली आ रही थी, अब यहां पर गद्य की परंपरा हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि काव्य समाप्त हो गया। अगर गद्य आया तो ये थोड़ी ना है कि काव्य समाप्त हो जाएगा तब गद्य का जो है आगमन होगा। अरे काव्य तो चल ही रहा है, जो पहले की परंपरा है वो तो चली रही है, हम नई परंपराओं को यहां पर समावेश। अब मान लीजिए कि हम पैंट शर्ट पहने तो पैंट शर्ट चल ही रहा है, अब टी शर्ट पहन लीजिए आप, यहां कट पहन लीजिए आप, बाल तो जो सब परंपरा अगर रूप से है वो तो चल ही रहे हैं, अब कोई खड़ा करके बाल कर रहे, कोई लाल पीला काला नीला हर प्रकार के, कोई यहां कट, कोई यहां कट, कोई यहां ऐसे कर ले, तो ये भी चल रहा है। तो ये थोड़ी ना कि पहले वाला समाप्त हो गया, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन अगर हम बेस समझना चाहते हैं तो उसको समझना पड़ेगा। तो इसको देखिए, आप दो भागों में जब हम विभाजित करते हैं, काव्यखंड और यह गद्यखंड, तो अब देखिए जब हम काव्यखंड पर आते हैं, यानी आधुनिक काल के काव्यखंड पर आते हैं, काव्यखंड पर आते हैं, तो इस काव्यखंड में युग चलते हैं।
इस काव्यखंड में क्या चलता है? युग चलता है। वह युग कौन कौन सा है आप ये जानते हैं? नाम सुने होंगे इस काव्यखंड में, युग का नाम सुने होंगे। क्या सुने होंगे? युग का आप नाम सुने होंगे। और कौन से युग का नाम सुने होंगे? आप सुने होंगे यहां पर भारतेंदु युग का नाम सुने होंगे। क्या भारतेंदु युग का नाम सुने होंगे कि नहीं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग का नाम सुने होंगे। आप जो है द्विवेदी युग का नाम सुने होंगे, द्विवेदी युग का नाम सुने होंगे। आप जो है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, आप छायावाद का नाम सुने होंगे, छायावाद का नाम सुने होंगे। छायावाद के समानांतर ही क्या चलता है? राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा चलता है और हालावाद चलता है। तो मैं इसी के समानांतर, मैं जब पढ़ाऊंगा कर लूंगा, मैं अगर मैं इसी के समानांतर ही लेकर के चलूंगा, छायावाद के बाद ही पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं। आप लिख मैं करके लिखूं या नीचे ही लिख दे रहा हूं, हालावाद लिख दे रहा हूं, हालावाद लिख दे रहा हूं और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा लिख दे रहा हूं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा लिख दे रहा हूं। ठीक है, सांस्कृतिक काव्य धारा लिख दे रहा हूं। यहीं पर मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं, बाद में इसको समझा जाएगा कैसे क्या हो रहा है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, यानी इन बिंदुओं पर। इसके बाद हम प्रगतिवाद यानी आ जाता है, प्रगतिवाद पर आपसे बात करेंगे, यानी इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कविताओं के बारे में हमारी चर्चा होगी, यानी यहां पर हम चर्चा करेंगे। और यहीं पर हम प्रयोगवाद के बारे में आपसे बात करेंगे, यहीं पर आपसे हम आपको नई कविता, आपको साठोत्तरी कविता, तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं नई कविता, इसमें इसी के बाद से सब प्रपद्वाद, नकेदवान, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये सब आपको आ जाते हैं, विविध विमर्श आ जाते हैं आपको यहां पर, सभी नई कविता, साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, हम उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। ये सब किस में चल रहे हैं ध्यान में रखिएगा, ये सभी के सभी आपके किस में? काव्य खंड हो रहे हैं। क्या है? काव्य खंड है। काव्य की विचारधारा में ये चल रहे हैं। किस विचारधारा में? यह काव्य की विचारधारा में चल रहे हैं। चलिए अब इसी के बाद से, अब चूंकि मैंने कहा, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, यहां पर मैंने कहा अगर कोई बच्चा ये काव्य खंड नहीं जानता है, और उसके बाद गद्य खंड आ जाता है। चलिए गद्य खंड को भी थोड़ा सा हम देख लें, गद्य खंड में क्या है। तो काव्य खंड हो गया, इसके बाद गद्य खंड होता है, तो गद्य खंड को भी हम दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है मुख्य गद्य खंड और एक होता है गौण गद्य खंड, या हम ये कहें प्रमुख कह लें, प्रमुख कह लें और सामान्य कह लें, सामान्यतः ऐसा भी कह लीजिए, जो आप कह लीजिए, कोई ऐसा नहीं है, लिखा नहीं गया कि ये मुख्य ही है, ये सामान्य है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आता कहां से है, मैं इसलिए इस पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। यानी हम अगर देखेंगे मुख्यतः जो गद्य खंड की अवधारणा, जो मुख्य यहां पर जो प्रमुख अवधारणा है, इस अवधारणा के अंतर्गत अगर हम देखें तो आपको मिलेगा, मैं इसको डिलीट करता हूं, अगर यहां पर मुख्य अवधारणा के अंतर्गत देखें तो आपको यहां पर जो चर्चा होगी वह गद्य के विकास के बारे में होगी। किसके बारे में होगी? गद्य का विकास। ठीक है, इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। यहीं पर आपको नाटक के बारे में चर्चा होगी, यहीं पर आपको एकांकी के बारे में चर्चा होगी, यहीं पर आपको कहानी के बारे में चर्चा होगी, यहीं पर आपको उपन्यास के बारे में चर्चा होगी, उपन्यास के बारे में, यहीं पर आपको आलोचना के बारे में चर्चा होगी, और यहीं पर आपको, यहीं पर ऊपर आ जाए बेटा, यहीं पर आपको यानी आत्मकथा के बारे में चर्चा होगी, और यहीं पर आपको जीवनी के बारे में चर्चा होगी।
जीवनी के बारे में चर्चा होगी, यानी तमाम यहां पर बिंदुओं पर हम आपसे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हम कुछ इस गद्य खंड की ये जो प्रमुख विधाएं हैं, इन विधाओं के बारे में हम आपसे बात करेंगे, यानी ये प्रमुख विधाएं हैं, और गद्य खंड की जो अन्य विधाएं हैं इसको हम अन्य विधाएं कहें, यानी ये हो गया मैं नंबर वन कर दे रहा हूं, और ये गद्य खंड की क्या है, अन्य विधाएं हम अगर कर दें तो अन्य विधाओं के अंतर्गत भी बहुत सारे हमारे विधाएं शामिल हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको संस्मरण जानते हैं। क्या हम जानते हैं? संस्मरण जानते हैं, संस्मरण जानते हैं हम, इसके अंदर रेखा चित्र को जानते हैं, रेखा चित्र को जानते हैं हम, इसके अंतर्गत रिपोर्टाज को जानते हैं, रिपोर्टाज को जानते हैं हम, इसके अंतर यात्रा वृतांत को जानते हैं, यात्रा वृतांत को जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम यहीं पर आपको पुरस्कार आदि के बारे में भी चर्चा करेंगे, यहां पर आपको चर्चा कर लेंगे, वह अन्य विधाओं से रिलेटेड हम आपसे चर्चा करेंगे, ना कि यहीं पर आपसे हम स्त्री विमर्श की चर्चा करेंगे, ये समझिए, अलग अलग मत सोचिए, स्त्री विमर्श की चर्चा करेंगे, और यहीं पर हम आपको दलित विमर्श की चर्चा करेंगे, दलित विमर्श की चर्चा करेंगे आदि आदि यहां पर हम क्या करेंगे। इसके बावजूद भी बहुत सारी धाराएं हैं, उन धाराओं पर भी हम आपसे चर्चा यहां पर करेंगे। तो यहां पर गद्य खंड, अब मैं आपसे ये कहूं कि किसी का कोई यात्रा वृतांत हुआ, कोई संस्मरण हुआ, कोई रिपोर्टाज हुआ, कोई नाटक हुआ, कोई कहानी हुआ, कोई जीवनी हुई, तो लिखा गया। अब लिखा गया, किसे ने लिखा? फणीश्वर नारायण ने लिखा कि अज्ञेय ने लिखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा, किसने लिखा? तो अगर किसी ने लिखा तो फिर वो किस युग में जाएंगे, ये हम तुलना तब कर पाएंगे कि जब हम काव्यखंड पढ़े रहेंगे। यानी अगर हम ये चाहें, मैं आपको यहां पर कहूं आधुनिक खंड में, अगर मैं ये कहूं कि मैं अगर इस गद्य खंड को पहले पढ़ लूं, तो भाई नाटक लिखा गया, उपन्यास लिखा गया, वो किस युग में किसके अंतर्गत आया है हम कैसे जानेंगे? हम जान ही नहीं पाएंगे उनके बारे में डिटेल। तो अगर ये हम जानते हैं उनके बारे में, चूंकि ऑलरेडी मैं सबके बारे में यहां पढ़ लूंगा, चाहे भारतेंदु युग में कौन है, द्विवेदी युग में कौन है, छायावाद में कौन कौन से हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा, ये सब मैं आपको पूरा डिटेल होल कर दूंगा, पूरा का पूरा यहां पर बता दूंगा। अब जब मैं इस गद्य खंड पर आऊंगा तो आपको कुछ करना नहीं, बस रिलेट करना है, खटाक दे आप जो है, और पूरा का पूरा एकदम उनका मैं चरित्रण यहां पर उभार कर रख दूंगा। तो ये जो है आपका संपूर्णता में आपका अध्ययन हो जाएगा और कुछ भी नहीं छूटेगा, इस बार कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो हम यहां पर रीति काल के बाद हम आधुनिक काल पर आते हैं, और आधुनिक साहित्य की ये अवधारणा हमारी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो हम जो दूसरे बिंदु उठाए थे यहां पर देखिए, अगर हम आपको पहले यहां पर चलें, ये वाला मैं ये जो दूसरा बिंदु उठाया था, ये जो दूसरा बिंदु है ये कमाल का बिंदु है, यही जो है ये कमाल का बिंदु है। इसकी बिंदु केवल नाम लग रहा है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण, एक आपको वाक्य में नाम दे दिया गया है, लेकिन इसमें गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, इसके बारे में हमारी क्या होगी, चर्चा होगी। इसके बाद से हम पुनः किसके बारे में चर्चा करेंगे, आपके भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र की चर्चा करेंगे, यानी तीसरे बिंदु पर अगर हम आपसे चर्चा करें तो पुनः तीसरे बिंदु पर हम काव्य शास्त्र की चर्चा करेंगे, किसकी, काव्य शास्त्र की चर्चा करेंगे। अब काव्य शास्त्र में क्या क्या आते हैं, बहुत सारे बच्चे तो ये समझ नहीं जाता है कि काव्य शास्त्र में आता क्या है, तो काव्य शास्त्र में क्या आते हैं तो आप ये जान लीजिए, यानी काव्य शास्त्र, एक तो नाम हो गया कि काव्य है और ये शास्त्र है, यानी काव्य का ही शास्त्र होगा, यही तो बात हो ना। तो काव्य का जब शास्त्र होगा तो इसमें क्या शामिल होगा, आप स्वयं बताइए, रस शामिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, छंद शामिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, अलंकार शामिल हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, इतना तो आप जानते हैं,
इतना तो हम नाम सुने हैं, ये भले ही ना जानते हो कि ये काव्य शास्त्र बोला जाता है, लेकिन इसके बाद हो सकता है आप जानते भी हो। जो पुराने बच्चे हैं वो तो जान रहे हैं, जो नए वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद आप नहीं जानते काव्य के स्वरूप के बारे में, नहीं जानते हैं काव्य के लक्षण के बारे में, यानी काव्य लक्षण क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप बहुत सारे लोग नहीं जानते हो। अगर काव्य गुण क्या होता है, काव्य गुण के बारे में, इसी में काव्य दोष के बारे में हम यहीं पढ़ेंगे। काव्य दोष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, काव्य दोष के बारे में पढ़ेंगे, यहीं पर शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। किसमें? शब्द शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शक्ति के अंदर आप जानते हैं अभिधा लक्षण अभ्यंजन, आप नाम सुने होंगे। यहीं पर हम लोग क्या, किसके अंतर्गत, इस काव्य शास्त्र यानी चौथे पॉइंट के अंतर्गत, काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इस पे हम आपसे चर्चा करेंगे, या जो भी कुछ बिंदु अगर रह गए हो तो उस पर भी हम आपसे चर्चा कर लेंगे। यानी ये काव्य शास्त्र के बारे में हमारा क्या होगा, आपसे विस्तृत चर्चा होगी, ठीक। इसके बाद हम थोड़ा सा आते हैं किस पर, भाषा विज्ञान पर आते हैं। यानी यहां पर तीन पॉइंट हमारे हो गए, काव्य शास्त्र हो गया, हम चौथे पॉइंट पर आते हैं तो क्या हो जाते हैं, भाषा विज्ञान हो जाता है, भाषा विज्ञान हो जाता है। संस्कृत में विज्ञान बोलेंगे, ज्यो वहां उच्चारण तो ज्यो उच्चारण होता है, ज्यो धन इय से मिलकर बना होता है विज्ञान। यानी यहां भाषा विज्ञान की बात करें, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में बोलेंगे, हम बोले क्यों संस्कृत में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अच्छा ज्यो को ही वो केवल ज्यो बोलेंगे और बाकी शब्दों को नहीं बोलेंगे, इससे लगेगा कि वह हाँ हाँ वो अलग जैसे लग रहा है, हाँ शुद्ध उच्चारण करने। अरे भाई हिंदी में जब ज्ञान की ज्ञा की बात हुई है तो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ाएंगे तो वहां ज्या बोलेंगे हम, तो यहां पर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो भाषा विज्ञान की बात करेंगे। यानी यहां पर हम आपसे इस बिंदु पर जब चर्चा करेंगे, भाषा विज्ञान में जब हम चर्चा करेंगे तो किसकी, हिंदी की ध्वनियों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भाषा विज्ञान में, भाषा विज्ञान में हम प्रायः आपसे किसकी बात करेंगे, वह बात जो करेंगे प्यारे, किसकी करेंगे, हिंदी की ध्वनियां, हिंदी की ध्वनियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। बहुत सारी ध्वनियों में हम अंतर पाते हैं, इन सब सारी ध्वनियों पर हम आपसे चर्चा यहां पर करेंगे। हिंदी की उपभाषाएं, उपभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी उपभाषा की बारे में बात करेंगे, उपभाषा के बारे में बात करेंगे, विभाषा के अवलिक यहां पर विभाषा के बारे में बात करेंगे आपसे यही पे, यहां बोलियों पर बात करेंगे, यानी बोलियां कितनी बोलियां हैं और किस बोली के अंतर्गत क्या क्या शामिल होती है, इन बोलियों के बारे में हम बात करेंगे, और शब्द संपदा के बारे में यहीं पर हम आपसे चर्चा करेंगे, यानी शब्द संपदा के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। यानी भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करेंगे, इतने बिंदुओं पर, इससे भी यानी पूरा का पूरा हम आपसे एक एक करके विस्तृत, आज मैंने कहा बहुत छोटा सा सेल्फ, थोड़ा सा मैं सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूं कि यह है क्या, मैं चाह रहा हूं कि आप इस पाठ्यक्रम के माध्यम से यह समझ जाएं कि इसमें आता क्या है। मेरा उद्देश्य है कि इसमें आता क्या है, इस पर हम आपसे चर्चा करें। चलिए इसके बाद से आपको इसी का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट है, वो होता है हिंदी व्याकरण। यानी हम अगर इस अलग पार्ट पे बात करें तो क्या है, पांचवें की बात करें तो क्या हो जाएगा, हिंदी व्याकरण की बात हो जाएगी। पांचवा क्या है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण हो जाएगा। अब इस व्याकरण के अंतर्गत, ये तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, ये तो आप लोग बहुत पढ़े हैं व्याकरण के बारे में, तो हिंदी व्याकरण के बारे में अगर हम पांचवें रूप में बात करें तो क्या पढ़ेंगे, यहां पर सब कुछ पढ़ लेंगे, यहां पर सब कुछ पढ़ लेंगे। यहां पर आपको वर्णमाला से लगायत, यानी वर्ण से लगायत, वर्णमाला हो गया, यहां से स्टार्ट, इसके बाद मैं क्या इसके बारे में लिखूं,
मैं सिर्फ इतना बता दूं कि इसके बाद से वर्णमाला में यहीं पर आपको संज्ञा मिलेगा, यहीं पर आपको सर्वनाम मिलेगा, यहीं पर आपको क्रिया मिलेगी, यहीं पर आपको विशेषण मिलेगा, यहीं पर आपको काल मिलेगा, वाच मिलेगा, अव्यय मिलेगा, विराम चिन्ह मिलेगा, परसर्ग यहीं पर मिलेगा, संधि मिलेगा, समास मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा, प्रत्यय मिलेगा, तद्भव मिलेगा, तत्सम मिलेगा, संकर मिलेगा, देशज मिलेगा, विलोम मिलेगा, पर्यायवाची मिलेगा, वर्तनी शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, लोकोक्ति मुहावरा, यानी तमाम चीजें यहां पर हम क्या करेंगे आपसे, यानी इस व्याकरण के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो इसका मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं, चर्चाएं आपसे होंगी। तो यहां पर हिंदी व्याकरण के बारे में ये भी आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग है, जहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। हम कभी क्वेश्चन एनालिसिस भी आपसे करेंगे कि कहां से, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन, किन किन भागों से कैसे प्रश्न आते हैं, इस पर भी हम आपसे कभी चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा हम पाठ्यक्रम पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो हिंदी व्याकरण हो गया, इसी का केवल हिंदी से ही काम चलने वाला नहीं है, एक है संस्कृत, आपको साहित्य पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत साहित्य में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप घबराइए मत, ये भी हिंदी का ही पार्ट है। जब आप जाएंगे 10 और 12 वालों को पढ़ाने के लिए, तो यानी आपको ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, तो संस्कृत साहित्य और व्याकरण के कुछ पोर्शन, कुछ साहित्य कुछ व्याकरण, यानी संस्कृत के बारे में हमको अध्ययन करने को मिलेगा। अब संस्कृत के बारे में क्या अध्ययन करने को मिलेगा आप बताएं, तो यहां पर आपको कालिदास मिलेंगे, यहां पर आपको क्या मिल जाएंगे, यह कालिदास मिल जाएंगे, ठीक है, क्या कौन से मिलेंगे आपको, कालिदास मिल जाएंगे, यहीं पर आपको भारवी मिल जाएंगे, भारवी भारवी मिल जाएंगे, यहीं पर आपको माघ मिल जाएंगे, यहीं पर आपको दंडी मिल जाएंगे, यहीं पर आपको श्रीहर्ष मिल जाएंगे, यहीं पर आपको राजशेखर मिल जाएंगे, ठीक है, यहीं पर आपको बाण बाण भट्ट भी मिल जाएंगे, यहीं पर आपको दंडी बाण लिखे हैं, बाण भी यहीं पर मिल जाएंगे, यहीं पर दंडी भी मिल जाएंगे, आदि आदि इटीसी मैं लिख दे रहा हूं, यानी आदि आदि ये भी लोग मिल जाएंगे आपको, किसमें, संस्कृत साहित्य की अवधारणा में। यहां व्याकरण की, संस्कृत में व्याकरण में अगर जाएंगे तो बेसिकली इसमें जो हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, यानी संधि हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि संस्कृत हिंदी का दोनों का काम चले, यानी ये तो रहा आपको संस्कृत साहित्य वाला पोर्शन रहा, जहां से आपको क्वेश्चंस इसके अतिरिक्त भी मिल जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो है आपको संधि यहां पूछा जाता है, तो संधि इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हिंदी में काम भी चले और संस्कृत में भी कार्य चले, दोनों चले। यहां पर आपको शब्द रूप मिलेगा, क्या मिलेगा, शब्द रूप मिलेगा। अब शब्द रूप में क्या होगा, शब्द रूप में क्या आता है, यानी शब्द रूप में हम क्या पढ़ते हैं, जो रूप पढ़ते हैं ना, राजा का पढ़ते हैं, बालक का पढ़ते हैं, राम का पढ़ते हैं, राम 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 का पढ़ते हैं, बालक का पढ़ते हैं, नदी का पढ़ते हैं, आदि आदि हम क्या रूप पढ़ते हैं यहां, यानी शब्द रूप के अंतर्गत वो आता है। हम धातु रूप भी पढ़ते हैं, धातु रूप में आपको क्या पढ़ते हैं, धातु रूप है तो धातु रूप में आप बताइए क्या पढ़ते हैं, तो धातु रूप में हम लकार पढ़ते हैं, लट लकार पढ़ते हैं, लोट लकार पढ़ते हैं, लिंग लकार पढ़ते हैं, ठीक है, लकार पढ़ते हैं, यानी ये पढ़ते हैं हम। इसके अतिरिक्त हम कारक प्रयोग पढ़ते हैं, यानी यहां पर कारक प्रयोग भी पढ़ा जाता है, यहां पर भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। इसके बाद कभी यहां पर अनुवाद भी आता है, यानी अनुवाद से रिलेटेड भी कभी क्वेश्चंस यहां रहते हैं। तो संस्कृत वाले पोर्शन में हम लोगों को इतना पढ़ना है और इस पर भी हमारी चर्चा होनी है। ये संस्कृत वाले पोर्शन में रहा, तो हम इस पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक
टॉपिक शामिल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लें, मैं यहाँ पे था, यानी संस्कृत वाले पोर्शन में हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक मैं सातवां बिंदु आपसे कर दूं, एक बिंदु है विविध। यह दे करके उसने किया क्या, माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड ने यह दे करके किया क्या, यह अपने लिए एक हथियार रख लिया कि हम जब चाहेंगे तब एक्स्ट्रा भी चला देंगे, और इसी हथियार का प्रयोग किया गया है इस बार के टीजीटी पीजीटी में। ये विविध नाम का जो हथियार है इस पर हम दावा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये दे करके इन्होंने कहा कि विविध यानी इसके अतिरिक्त भी हम कुछ पूछ सकते हैं। तो कभी कभी किसी किसी टॉपिक पर ऐसे विद्वानों को भी इन्होंने पूछ लिया जो आपके सिलेबस में नहीं है, मेंशन नहीं किए गए हैं, और पूछ लिया गया है, तो इनके बारे में भी पूछ लिया गया है। तो ये हमारे अगर बेसिकली देखेंगे तो इसमें हमारे कौन ये पाएंगे आपके, थोड़ा सा पूरा का पूरा हम एक आपको चार्ट में दिखा दें, यानी यहां दिखाई दे रहा है। मैंने आपको इन सात बिंदुओं में, इन सात बिंदुओं में आपसे हमने क्या किया, चर्चा किया, और आशा यह है कि ये सातों बिंदु आपको, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको मैंने विद्वान बना दिया, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन ये भी हम नहीं कहते हैं कि आपको जानकारी नहीं हुई है, निश्चित तौर पे आपको जानकारी हुई है। आप अगर नवप्रवेशी हैं, आपने तैयारी प्रारंभ की है, तो एक आपको होल सिलेबस के बारे में पूरी की पूरी आपको जानकारी हुई है। तो इन सिलेबस के बारे में मैंने प्रयास ये किया कि पूरा का पूरा आपको बता दिया जाए, ताकि अब आप हिंदी की विचारधारा को ऊपर से देखें, नीचे से ऐसे मत देखें, अब आप ऐसे देखें। जब ऐसे देखेंगे तो उसका एक अलग आनंद रहेगा, ऐसे देखेंगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जानते हैं किसके अंतर्गत क्या आता है। आप जो लिखेंगे इसको और दो चार बार आप थोड़ा सा देखेंगे, आपको देखेंगे पूरा का पूरा आपके यह इस मानस पटल पर अंकित हो जाएगा और पूरा नाचने लगेगा, घूमने लगेगा। तो चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा, और पूर्णतः इसके बाद से प्रयास रहेगा कि अगला सेशन हम किसी टॉपिक पर आपसे लाएं, या आपके द्वारा अगर कमेंट किए जाते हैं कुछ ऐसा आप लोग कहते हैं कि इसी पर लाया जाए तो उसी पर लाया जाएगा। हम अन्य जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो किसी बिंदु पर लेकर के आते हैं, और आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, किस प्रकार से, या जैसा भी देखा जाएगा उस पर हमारी चर्चा आपसे होगी। हो सकता है हम लाइव भी आ जाएं, अभी हमारा जो ये क्लास जा रहा है हो सकता है मैं लाइव भी आपसे जुड़ूं और उस पर भी हम आपसे पूरा सीधे आपसे हम चर्चा करूं, ठीक है। तो आप लोग आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक बार पुनः मेरे तरफ से यानी टारगेट विद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोग एकदम मस्त तरीके से हंसते मुस्कुराते हुए प्यार के साथ आप पूरा जुड़िए और इंजॉय लीजिए, और यहां समग्रता आप पाएंगे, अच्छी तरीके से समझ होगी, एक नया नजरिया आपको मिलेगा कि हिंदी की अवधारणा क्या है, हिंदी के बारे में एक नए नजरिए के बारे में सोच पैदा होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए सभी लोगों को प्यार और जय हिंद।